हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये बनाएंगे परोड़े की रेसिपी। इसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे। इसके हमें ज़्यादा नहीं कट करना है, सिर्फ एक से या दो टुकड़े करेंगे सिर्फ इस तरीके से नाइफ़ की मदद से। और ये देखिए, ये इसको हमने सभी सभी को कट कर लिया है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम परोड़ों में पानी डाल के इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। इनको हमें 2 से 3 बार वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें गंदगी होती है, तो इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, हमने एक बार धो लिया है, दूसरी बार भी धो रहे हैं। इसी तरीके से आप इसको वॉश कर लें। मैंने सभी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लिया है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। और ये देखिए, वॉश करके मैंने रख लिए हैं। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, इसमें हम ये परोड़े डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसको हम अलग से एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने प्लेट में निकाल लिया है। बाकी बची हुई सब्जी को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे जैसे पहले फ्राई करा था। ये देखिए, सारी सब्जी फ्राई हो गई है। ये मैंने लहसुन और प्याज काट के रखे हुए हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में लहसुन डालेंगे बचे हुए तेल में ही, उसी तेल में ही सब्जी को बना लेंगे। और 2 प्याज ये छोटे छोटे हमने चॉप करके रखे थे, प्याज को भी डाल के फ्राई कर लेंगे। और ये 2 टमाटर को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने टमाटर काट लिए हैं। इसको हम प्याज के साथ डाल के अच्छे से भून लेंगे, प्याज और लहसुन को, प्याज टमाटर को। इसे मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच नमक, मिर्ची 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। इन सभी को भी हम अच्छे से सभी मसालों के साथ अच्छे से मसालों को भून लेंगे। ये देखिए, मसालों में से तेल अलग होने लग गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी सब्जी जो फ्राई करके रखी हमने, परोड़े की सब्जी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर दिया हमने इसे प्याज टमाटर के साथ। इसको हम थोड़ी देर अच्छे से इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको पकने में। ये देखिए, सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक